पार्सिमोनी मेथड के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो एक कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच माना जाता है। पार्सिमोनी के बारे में स्टडी करना, ये कहा जाता है कि देयर इज लाइक कैरेक्टर बेस्ड ट्री कंस्ट्रक्शन है। कैरेक्टर बेस्ड ट्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट सिक्वेंसेस। कैरेक्टर बेस्ड ट्री कंस्ट्रक्शन मेथड्स में यूजेस अलाइंड कैरेक्टर्स, जो हम कई सारे स्पीसीज के कैरेक्टर्स होते हैं, जो सिक्वेंसेस होते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं अलाइंड कैरेक्टर्स के तौर पे। जैसे डीएनए के सिक्वेंसेस हो सकते हैं या प्रोटीन के सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम इससे जो है डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं और इससे जो है ट्री को निकालते हैं। तो ये जो मेथड है कैरेक्टर बेस्ड मेथड, यहाँ पे अलाइंड कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है। जैसे जरा समझने की कोशिश करिए, मेरे पास एक स्पीसीज ए है। इस स्पीसीज ए में कुछ बेसिक सिक्वेंसेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। स्पीसीज ए में जो है कुछ बेसिक है, ए टी जी सी करके ये यहाँ तक सिक्वेंस दिया जा रहा है। अब इसको हम अलाइन करें स्पीसीज बी के साथ, तो स्पीसीज बी के साथ जब अलाइन करेंगे तो उसमें देखिए कुछ सिमिलरिटीज है तो कुछ डिसिमिलरिटीज है। अगर मैं हाईलाइट करूं डिसिमिलरिटीज को, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिसिमिलरिटीज देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हाईलाइट करें डिसिमिलरिटीज को, तो एक डिसिमिलरिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और डिसिमिलरिटीज की बात करें तो वो कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, और बाकी का यहाँ पे है। तो अगर हम दो सिक्वेंसेस के तौर पे देखें तो डिसिमिलरिटीज को ढूंढना ज्यादा आसान है रेदर देन सिमिलरिटीज, क्योंकि ये पूरा सिक्वेंस अगर आप देखें तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 बेस पेयर्स हैं। अब इसमें हम सिमिलरिटी को देख के चलेंगे तो शायद हमें बहुत ज्यादा नंबर लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम म्यूटेशंस की बात करें, जहां पे चेंजेस हुए हैं, अगर उनके ऊपर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं कुछ चार ही म्यूटेशंस आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं चार म्यूटेशंस आपको देखने की बात की जा रही है। ए का बी के साथ जो है वो चार म्यूटेशंस हुए हैं, चार चेंजेस हुए। अगर मेरे पास एक और सिक्वेंसेस होगा ए का सी के साथ, मान लेते कि मैंने एक और स्पीसीज कंसिडरेशन में लिया, वो है ए का सी के साथ, तो ये जो सी के साथ कंसिडरेशन में लेंगे इस पर्टिकुलरली पॉइंट पे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चेंजेस को विद द डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ए को सी के साथ जरा देखिए, तो एक डिफरेंस तो यहाँ पे आ रहा है ए का सी के साथ, फिर आगे का डिफरेंस देखिए, एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके आगे आगे ए का सी के साथ एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ए का सी के साथ, फिर एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, फिर आपका एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, फिर जो है एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, फिर एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, और फिर एक डिफरेंस जो है यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर ए और सी के साथ 20 पेयर में डिफरेंसेस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो 20 पेयर में डिफरेंसेस हैं, कहीं ना कहीं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 म्यूटेशंस है, 8 म्यूटेशंस है। ए और बी में चार म्यूटेशंस थे और ए और सी में जो है वो 8 म्यूटेशंस है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक और बी के बीच का जब हमने देखा तो ए और बी में आपको चार म्यूटेशंस की दूरी नजर आ रही थी, ठीक है। और दूसरे तौर पे हमने ये रिप्रेजेंट किया कि ए को सी के साथ अगर देखें तो 8 म्यूटेशंस के साथ आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनमें ए बी के साथ ज्यादा क्लोजर होगा क्योंकि मिनिमम म्यूटेशन ज्यादा क्लोजनेस शो करेगा, ठीक है ना। मिनिमम म्यूटेशन जो है, मिनिमम म्यूटेशन, जितना मिनिमम म्यूटेशन होगा उतना ही जो है वो क्लोजनेस शो करेगा, क्लोजनेस जो है वो शो करेगा। तो मिनिमम म्यूटेशन पे बेस जिस टेक्निक को यूज किया जा रहा है, ये मिनिमम म्यूटेशन जो है वो डिस्टेंस के बेसिस पे जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है या कैरेक्टर के बेसिस पे। ये जो म्यूटेशन की बात की जा रही है, ये किस पर्पज से डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैरेक्टर के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। और जब ये कैरेक्टर के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जा रहा है तो ये जो म्यूटेशन पर्सपेक्टिव है इस कैरेक्टर बेस्ड मेथड कहलाएगा, क्योंकि म्यूटेशंस कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच से पता चल रहा है। और इसीलिए इसको हम डिस्टेंस बेस्ड नहीं, कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच बोल रहे हैं। और कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच से बेस्ड टेक्निक का नाम जो आता है वो होता है मैक्सिमम पार्सिमोनी। क्या बोलते हैं इसी को, मैक्सिमम पार्सिमोनी। मैक्सिमम पार्सिमोनी जो है वो कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच है जो मिनिमम म्यूटेशंस को चेक करने की कोशिश करता है। अगर आपके दिमाग में यह फिट हो जाएगा कि जो मिनिमम म्यूटेशन होगा वही ट्री हमारे लिए बेस्ट होगा, द ट्री हैविंग द मिनिमम म्यूटेशन शुड बी बेस्ट, ठीक है। तो बात करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी सिक्वेंसेस है डी और ई। आप ये होमवर्क के तौर पे बैठ के निकालिएगा कि ए का बाकी के साथ जो है वो कितने चेंजेस, कितने म्यूटेशंस है। मैं यहाँ पे उसको निकलवा नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा दिया हूँ। बैठ के आप चेक कर सकते हैं आखिर ए का डी के साथ या ई के साथ भी कितने चेंजेस है, बैठ के चेक करिएगा, या बी का डी के साथ, बी का सी के साथ, आराम से इसमें दिमाग माथा पच्ची कर सकते हैं। तो
मोटा मोटी तौर पे जब भी आप डिफरेंसेस चेक करेंगे तो डिफरेंसेस कैरेक्टर बेसिस पे हो रहे थे। और कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच में से एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पार्सिमोनी। मैक्सिमम पार्सिमोनी एक कैरेक्टर बेस्ड अप्रोच जाना जाता है। तो यहां पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो मिनिमम म्यूटेशन को प्रेफर किया जाता है। द ट्री हैविंग द चेंजेस विल बी मिनिमम, वो ट्री प्रेफर किया जाएगा जिसमें चेंजेस क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम चेंजेस शुड बी प्रेफर्ड। अगर आप मिनिमम चेंजेस प्रेफर करेंगे तो वो ट्री प्रेफर करेंगे जिसमें चेंजेस मिनिमम होगा। शांति से मेरे साथ जो है आधे घंटे 40 मिनट तक बने रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आफ्टर दैट हो सकता है कि आपके मन में जितने भी सवाल उठे या ये टॉपिक जो कभी आपने सुना ना हो या इससे डर के भाग रहे हैं वो आपके लिए काफी आसान हो जाए। ये आप अपने एक्सपीरियंस पे क्लास के एंड होते तक बताइएगा कि कैसा लगा, लेकिन तब तक आपको पेशेंसफुली वहां तक बने रहना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पार्सिमोनी जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी कोई फाइलोजेनेटिक ट्री होता है जो एक्सप्लेन करता है डेटा को, या ऐसा फाइलोजेनिक ट्री हम चूज करेंगे या बनाएंगे, याद रहे स्टेटमेंट जरा रीड आउट करें, तो फाइंड द फाइलोजेनेटिक ट्री दैट एक्सप्लेन्स द डेटा विथ फ्यूअर इवोल्यूशनरी चेंजेस, जिसमें इवोल्यूशनरी चेंज म्यूटेशन वो कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। हमें वैसे फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करनी है जिसमें चेंजेस या म्यूटेशन कम हो। मिनिमम म्यूटेशन और मिनिमम चेंजेस उस ट्री को जो है हमें लेके चलना है। मैक्सिमम फाइलोजेनी मैक्सिमम पार्सिमोनी जो है दो बेसिस पे बेस्ड होता है। ये एज्यूम करता है और ये बेसिक तौर पे हम भी जानते हैं कि म्यूटेशंस जो है वो एक्सीडिंगली रेयर होते हैं, मतलब काफी रेयर इवेंट होता है म्यूटेशन। इट इज नॉट अ वेरी कॉमन इवेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली म्यूटेशन थोड़ी होते हैं, इट्स अ रेयर इवेंट। इसी वजह से हम उन ट्री को प्रेफर करेंगे जिनमें कि म्यूटेशंस जो है वो लेस नंबर ऑफ म्यूटेशंस हो। ठीक है, अभी तक मोटा मोटी पूरे तौर पे हम यही समझ पा रहे हैं कि द ट्री हैविंग द मिनिमम म्यूटेशंस, ट्री हैविंग द मिनिमम म्यूटेशंस या चेंजेस जिसके पास मिनिमम म्यूटेशंस हो या चेंजेस की बात करें वही प्रेफर्ड होगा, विल बी सेलेक्टेड। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये चेंजेस जो है वो कैरेक्टर बेस्ड हैं या डिस्टेंस बेस्ड? ये चेंजेस कैसे हैं, कैरेक्टर बेस्ड और डिस्टेंस बेस्ड? कैरेक्टर बेस्ड है, डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं।